गाइज, ये डाकू आडम सीजन 2 का आखिरी एपिसोड है। अगर आपको इसका सीजन 3 चाहिए तो 100 के लाइक्स और 20 के कमेंट्स कर देना और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर भी कर देना। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि टकला आडम अपनी स्टोरी बताता है कि उसके बॉस ने कैसे उसे फंसा के जेल में डलवा दिया। फिर वो बाजार में जाके बेहोशी की दवाई ले आता है और बर्गर में मिला के आडम डाकू को खिला देता है और आडम बेहोश हो जाता है, तो टकला उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब आगे वो, अरे वो यहाँ आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब अब हमें उन्हें शहर में ढूंढने जाना पड़ेगा। अरे बाबा, सब लोग बैठ जाओ, चलते। अरे तुम लोग जाओ रे, मैं इधर रहता है, क्या पता वो इधर वापस आ जाए। हाँ ये बात तेरी सही है क्रिमिनल, तू यहाँ रुक, हम सरकार को ढूंढने जाते हैं और यहाँ पर अपना माल भी पड़ा है, क्या पता कोई मौका देख के लूटने आ जाए। ठीक है, तुम यहीं पर रहना, अगर सरकार की कोई खबर मिले तो हमें बता देना। अरे बाबा, हमसे गलती हो गई रे, हमें DGP साहब की बातों को हल्के में नहीं लेना था। हाँ, उन्होंने बताया था कि हमारे कोई अंडर का ही आदमी है जो घोस्ट क्रिमिनल से मिला हुआ है, तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि वो टकला आदम ही है। मेरे को तो लगता है बाबा अभी वो जंगल में नहीं होगे, अब तक तो वो हाईवे तक पहुँच गए होगे। चलो अभी बॉस को खुश खबर दे देता है मैं, वो मेरे कॉल का वेट कर रहे होगे। बता बता येलो क्रिमिनल, क्या खबर है ओए? बॉस टकला तो आपका वफादार निकला, उसने सच्ची में आडम डाकू को किडनैप कर लिया है और वो यहाँ से निकल चुका है। अच्छा हुआ ओए, मुझे तो डर था कि टकला वहाँ जाके आडम डाकू को सच्चाई बता देगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। हाँ बॉस, लगता है वो आपके जाल में फंस गया। ओए अच्छा है, अब मैं पहले डाकू आडम के सामने टकले आडम को मारूंगा, तब उसे पता चलेगा कि भाई को खोने का दर्द क्या होता है। उसके बाद डाकू को मारूंगा और फिर हम दोनों मिलके राज करेंगे ओए। सही कहा बॉस, ऐसा ही होगा। चलो रखता है मैं। अरे वो देख रहे बाबा, वहाँ पर अपने बंदे खड़े, उनसे पूछ के देखते, शायद उन्होंने रेंज रोवर देखी हो। हाँ सही कहा, उनसे पूछते हैं, शायद उन्हें पता हो। ए, तुम लोगों ने ग्रे कलर की रेंज रोवर देखी क्या? हाँ भैया जी, देखी है ना, वो तो आपके पास ही है। हाँ वो तो हमारी है, पर अभी हमारे पास नहीं है, उसे एक बंदा लेकर गया है। तो उसे देखा है तुमने अभी यहाँ से जाते हुए? भैया जी पता नहीं, वो हमारा ध्यान नहीं था, शायद निकली होगी। ए, क्या कर रहे हो साइड में? तो रोड के बीच में कार लेके खड़े हो, ट्रैफिक हो रहा है इधर, नोबड़ी वाला कहीं का। 2.5 मिनट अपना मुंह बंद नहीं रख सकता? अरे क्रिमिनल अपने गुस्से पे काबू रख रहे बाबा, नया लफड़ा नहीं मांगता। हाँ सही कहा। अबे सही से बता, तूने कार देखी या नहीं देखी? अरे भैया बताया तो सही, हमारा ध्यान नहीं था। साला तुम लोग कोई काम के नहीं हो, निकम्मे हो सालो। अरे क्रिमिनल, मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ नाकाबंदी करनी चाहिए, हम ही सारी गाड़ियाँ चेक करते रहे बाबा। सही कहा तूने, चलो पूरा रोड ब्लॉक कर दो और सारी गाड़ियों की तलाशी लो। और ध्यान रखना मेरे भाइयों, एक भी कार छूटने ना पाए, अच्छे से तलाशी लेना सभी कार्स की। अरे ग्रीन क्रिमिनल, इस तरफ की कार मैं देखता हूँ, उस तरफ की तू देख रे। अबे ये तो वही रेंज रोवर है, मुझे जल्दी से उसका पीछा करना पड़ेगा। चिंता मत करना सरकार, मैं आ रहा हूँ। साले अब तू कहीं से नहीं भाग सकता, मैं तो तुझे पकड़ के ही रहूंगा। मैंने कहा था तू नहीं भाग सकता, साले नीचे उतार। सरकार आप ठीक तो हो सरकार? अरे ये क्या, कार में तो कोई नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? साले तू कौन है और बता हमारे सरकार को कहाँ रखा है? अरे भाई मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। साले अनजान मत बन, चुप साफ बता दे ये कार हमारी है। अरे वो तो एक टकले बंदे ने कुछ देर पहले मेरी कार छीन ली और ये कार मुझे दे दी, बोला कि इसे फुल स्पीड में चलाते रहे, कोई रोके तो रुकना मत, मैं डर गया था भाई। साले ने हमें झाड़ में फंसाया, ये टकला तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सालाक निकला। छोटे चिंता मत कर, कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी भलाई के लिए कर रिया मैं। आज रात हम इस फार्म पर रुकेंगे और कल सुबह होते ही अपन लोग
दुबई के लिए निकल जाएंगे, फिर वहाँ तू सेफ रहेगा रे। ये लो रे बाबा, क्रिमिनल आ गया। अबे क्या है रे, क्या हुआ? सरकार कहाँ है अपने? टकले ने हमें बुट्टू बनाया, वो दूसरी गाड़ी लेके निकल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे रे बाबा? अब शेर फेंके रास्ता है, पुलिस वालों की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ ये बात तेरी सही है, डीजीपी साहब को कॉल लगा, वो हमारी मदद करेंगे। रे ओके, क्रिमिनल का कॉल? हाँ भाई बता, के हो गया? सर एक बुरी खबर है, हमारे सरकार को किडनैप कर लिया है। रेयो के बोल रही है सो, किसने किया? हमारे सरकार के बड़े भैया टकड़े आदम ने ही किया है। रे भाई मैंने बताया था कोई अंदर का ही बंदा से, सोचा ना था कि यही होगो। हाँ डीजीपी साहब, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये होगा। क्रिमिनल तू चिंता ना कर, वो शहर में ही होगा, हम उसे बाहर ना निकलने देंगे, हर जगह नाकाबंदी कर देंगे, सारा ट्रांसपोर्टेशन बंद करवा देंगे भाई, और आडम डाकू को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है सर, हम भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, रखता हूँ। चल बाबू मोसाई, सच सच बता, ये खिलौने की फैक्ट्री में तेरे पास कमोड कहाँ से आया? अरे साहब हमका ना ही पता सच में कहां से आए, हम तो बस खिलौने ही बनाते हैं। मुझे वही इंस्पेक्टर रिप्पू को भी बुला लेना चाहिए मदद के लिए। जी डीजीपी साहब बताइए, कैसे याद किया? इंस्पेक्टर आडम डाकू किडनैप हो गया से, हमें उसे ढूंढना से। और ये कैसे हो गया, डाकू को किसने उठा लिया? अरे उसके ही सगे बड़े भाई ने उठाया से, वो घोस्ट क्रिमिनल के लिए काम करता से। धोखे की यही खासियत है डीजीपी साहब, उसे देने वाला कोई अपना ही होता है। हाँ भाई पर वो भी शहर में ही होगा, तू जल्दी इधर आ जा, हमें मिलके उसे ढूंढना पड़ेगो। ठीक है डीजीपी साहब, मैं अभी निकलता हूँ ढोलकपुर के लिए। चलो ओए अब जल्दी बताओ ये कमोड किसके है, वरना मुझे दूसरा रास्ता भी आता है। अरे साहब हम तो यहाँ काम करते हैं, खिलौने बनाते हैं, हम का सच में ना ही मालूम। ठीक है तो तुम लोगों ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है, मुझे अपने तरीके से ही उगलवाना पड़ेगा। अरे अरे साहब क्या करने वाले हो, हमका छोड़ दीजिए। ये अपना मुंह ना खोले तो अच्छा है, वरना हम सब फंसेंगे। बाबू मोसाई जब तक तू सोचाई नहीं बताएगा तब तक मैं तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। साहब हम जल जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। तो सच्चाई बता दे, ये कमोड किसके है? अरे ये हमारे सेठ के ही कमोड है साहब, वो खिलौने के नाम पे हमसे कमोड बनवाते हैं। मतलब कि तुम सब मिलकर ये करते हो? किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाग भाग, जल्दी से भाग जा, ये अब हमें नहीं छोड़ेगा। बाबू मोसाई लोग मेरे एरिया में कमोड बेचने से भी डरते हैं, और तुम मेरे एरिया में कमोड बना रहे हो। बाबू मोसा ये इसी के लायक थे, अब लोग 100 बार सोचेंगे मेरे एरिया में कमोड बेचने से पहले। साहब अब इसका क्या करना है? साहब हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो सेठ के कहने पे सब करते थे, हमें मत मारना। तुमने अपना मुंह खोला इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर आगे से ये गलती मत करना। सुनो इंस्पेक्टर, इसे और कमोड को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाओ, मैं ढोलकपुर जा रहा हूँ, मुझे डीजीपी साहब ने बुलाया है। ठीक है साहब, जैसा आप कहे हो। तो चलो मैं चलता हूँ। ओए टकले बता, दुबई कब आ रहा है? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ओए अरे एक लोचा हो गए लाए, अपन दुबई नहीं आ सकता। और ये क्या बोल रहा है, तू क्यों नहीं आ सकता? ओए देख, कोस्ट क्रिमिनल पूरे शहर में नाकाबंदी चालू है और पूरा ट्रांसपोर्टेशन बंद है, अपन कैसे आएंगा, चल के आएंगा क्या? और अगर आडम को होश आ गया तो पूरा मामला हाथ से निकल जाएगा। ओए तो तूने क्या सोचा है, अब क्या करेंगे? जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता अपन यही छुपा रहेगा, और इसमें टाइम लग सकता है, 1-2 महीना भी हो सकता है, क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स लगी पड़ी है मेरे पीछे। ओए नहीं ओए, उसमें रिस्क है, क्या पता इतने टाइम में पुलिस वाले तुझे पकड़ ले। हाँ ये भी हो सकता है, तो अब क्या करे? ओए एक काम करो, तुम वही रहो, मैं यहाँ दुबई से निकल रहा हूँ, सुबह होते ही मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। पर तू यहाँ आके क्या करेगा? ओए वो तो मिलके सोच लेंगे क्या करना है। ठीक है चल, मैं तेरा इंतजार कर रहा है। ओए कितने टाइम से इस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया जब मैं आडम डाकू के सामने उसके भाई को मारूंगा और फिर डाकू को मारूंगा। ओए तो बॉस अब क्या करना है?
ओए हम वहाँ जाएंगे उन दोनों को मार के फिर वापस दुबई चले जाएंगे। हमें ज्यादा देर यहाँ रुकना नहीं है, काम होते ही निकल लेना है। तो डीजीपी साहब बताइए हमें कहाँ जाना है। अरे यहाँ पास में जगह से वहाँ सब लोग मिलने वाले से। आप चिंता मत कीजिए, हम एडम डाकू को ढूंढ निकालेंगे। अच्छा से फिर तो वही घोस्ट क्रिमिनल को पकड़ सकता से। पर डीजीपी साहब जब घोस्ट क्रिमिनल मिल जाएगा तब एडम डाकू को मैं ही मारूंगा। ठीक से इप्पू जैसा तू कहे। अरे ये क्या, यहाँ तो इंस्पेक्टर हिप-हॉप भी आ गया। हाँ भाई मैंने ही बुलाया से हमारी मदद के लिए। अच्छा है, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ही जल्दी हम सरकार को ढूंढ पाएंगे। हाँ भाई तुम्हें कुछ पता से के टकला उसे कौन सी जगह पर ले जा सकता से। टकले का बचपन आदमपुर में ही गुजरा है तो वो इस जगह को हमसे कहीं ज्यादा जानता है। बाबू मौसा इसका मतलब तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। रे चिंता ना कर, वो शहर से बाहर ना जा पाएगो। हम चप्पा चप्पा छान मारेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। अरे साहब इंटेलिजेंस वालों का कॉल आया था, वो उन्होंने बताया है कि घोस्ट क्रिमिनल आदमपुर में आ गया है। यो कैसे हो सकता से भाई, ट्रांसपोर्टेशन तो बंद से। साहब प्राइवेट जेट से आया है अपने और उसके आदमी लोग तो पहले से आ गए थे। और ये लो हम पहुंच गए, यही है वो जगह जहां टकले ने उस आदम डाकू को रखा है। अरे सर बहुत चकरा रहा है, अब एक सेकंड, ये मैं कहां आ गया। ये क्या घोस्ट क्रिमिनल। ओए क्या हुआ, मुझे यहाँ देख के चौंक गया डाकू। अरे ये क्या हो रहा है साले, तू यहाँ पर कैसे आया और मैं ऐसे बंधा क्यों हूँ, मेरे आदमी कहाँ है। बड़े भैया सब लोग कहाँ हो। ओए तू मेरी गिरफ्त में है, तुझे यहाँ मुझसे बचाने कोई नहीं आएगा डाकू। तू जानता नहीं है घोस्ट क्रिमिनल, अब तो मेरे बड़े भैया भी आ गए हैं, वो मुझे बचा ही लेंगे। ओए कितना बुद्धू है तू डाकू, तुझे मालूम नहीं क्या तेरे भाई ने ही तुझे किडनैप किया और मेरे पास लाया। क्या बकवास कर रहा है तू, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ ओए जानता हूँ ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा हुआ आदम तेरे को होश आ गया, तबीयत ठीक है ना, अब तो तेरा सर नहीं चकरा रहा ना। ये सब छोड़ो बड़े भैया, आप ये बताओ कि ये बात सच है कि आपने मुझे किडनैप किया और इस घोस्ट क्रिमिनल के हवाले कर दिया। अरे छोटे शांति से बताता ना मैं तेरे को ये पूरी बात। मुझे बस हाँ और ना में जवाब दीजिए, फालतू की बातें मत कीजिए, समझ गए। हाँ सच है ये बात, पर ये सब मैंने तेरी भलाई के लिए किया रे। क्या भलाई, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, ऐसे भाई होने से तो अच्छा है कि भाई ही ना हो। चुप हो जा, तू जानता नहीं है रे मैंने तेरे लिए कितना खतरा मोल लिया। ये बताओ आपको घोस्ट क्रिमिनल ने कितने पैसे दिए, कितने में बिके हो आप। छोटे अब तेरे मुंह से एक भी शब्द निकला तो कसम से मैं गोली मार दूंगा। हाँ भैया तो खत्म करो ये कहानी, मार दो गोली। ओए टकले ये क्या कर रहा है, तू मेरे आदमियों को क्यों मार रहा है। ओए घोस्ट क्रिमिनल तू तो बेवकूफ है, तुझे सच में लगा कि बड़े भैया तेरा साथ देंगे। अरे येड़े तेरे जैसे कमीनों को मैं अच्छी तरीके से जानता है, तू सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। ओए हथियार डाल दे, तुम सिर्फ दो लोग हो, ये मत भूलो बाहर मेरी पूरी गैंग खड़ी है। खड़ी है नहीं रे, खड़ी थी, उन सबको तो अब तक मेरे आदमी लोग ने टपका दिया होगा। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी गोली चलाई तो बदले में मैं भी पलटवार करूंगा और तुम दोनों में से कोई एक तो मर ही जाएगा। ओए अबे साले तेरी ऐसी की तैसी, आया बड़ा सेठ सबको टपका दिया है। टाइम आ गया है इसको पुलिस के हवाले कर देने का। हेलो डीजीपी साहब। रे डाकू तू जिंदा से, कहां से तू, तू ठीक तो से ना। हाँ डीजीपी साहब मैं सही सलामत हूँ और घोस्ट क्रिमिनल मेरी गिरफ्त में है। जल्दी से आप पवन चक्की वाले पहाड़ पर आ जाइए, वहाँ पे मिलके पूरी बात बताता हूँ। बाबू मौसा आखिरकार मोस्ट वांटेड टॉयलेट माफिया घोस्ट क्रिमिनल पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। हाँ भाई विश्वास ना हो रिया, हमने कर दिखाया।
ये लीजिए डीजीपी साहब, आपका कैदी मैं आपके हवाले करता हूँ, डाल दीजिए इसे सलाखों के पीछे। रे घोस्ट क्रिमिनल, अगर टकला वो थारा खास आदमी ना से तो कौन से जो इनके बीच मौजूद था? वही होगा जो अभी हमारे बीच मौजूद नहीं है। मतलब ये लो क्रिमिनल इसका खास आदमी था, गद्दार कहीं का। सरकार तो फिर आपने हमें आपके प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया? आपको पता है हम कितने डर गए थे। हम रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि हमें पक्का मालूम नहीं था कि इसका कौन आदमी हमारे साथ मौजूद है जो इसे सतर्क कर देता। हाँ, और पुलिस को भी नहीं बता सकते थे क्योंकि वहाँ पर भी इस साले के आदमी है। ओए डीजीपी, मुझे जाने दे, तू जितना बोलेगा उतना पैसा दूंगा, तुझे अरबपति बना दूंगा। बढ़िया ऑफर से मने मंजूर से, जा चला जा यहाँ से दूर, तू जा सकता सी। अरे आप ये क्या कर रहे हो डीजीपी साहब? ओए बता देना कितना चाहिए, शाम तक तेरे घर पे पैसे पहुँचा दूंगा। ओए साले पुलिस पे हमला करके भागता है ये ले। ये क्या किया डीजीपी साहब, अगर इसको मारना ही था तो हमें बता देते, जिंदा लाने को क्यों बोला? रे भाई, मैं इसे अपनी आंखों के सामने मारना चाहता था। बड़ा पैसा क्यों करना चाहते थे? क्योंकि मन्ने तसल्ली चाहिए थी कि यो मर गया से। यो भी हो सकता था कि ये अपने मरने की झूठी खबर फैला दे और इससे हमें यो लगे कि ये सच में मर गया से। हाँ बाबू मोसाई, क्योंकि ऐसे कैदियों को जेल में डालने का कोई फायदा नहीं, साले दो दिन में छूट जाता है। हाँ ये सही किया, मिल गई ना आपको तसल्ली। चलिए आपका काम खत्म हुआ, हम चलते हैं। नहीं नहीं, अभी एक काम बाकी है, भूल गए क्या डीजीपी साहब? आदम डाकू और उसके सारे आदमियों को मार दो। ये क्या किया डीजीपी साहब, धोखा दिया, मुंह तोड़ जवाब दो इनको। एक काम करो, हमें निकलना होगा, इनकी बैकअप आती ही होगी, सब लोग बैठ जाओ। बाबू मोसा ये तो भाग रहा है। सरकार इन्होंने हमें धोखा दिया है, हम इसका बदला जरूर लेंगे। रे पूयो के किया तूने, सारे किए कराए पे पानी फेर दिया, इसे मौका देख के मारना था, अभी नहीं मारना था क्योंकि इसके साथ बहुत सारे लोग थे। छोटे हमें जल्दी से आदमपुर छोड़ना पड़ेगा, अभी पूरी पुलिस फोर्स हमारे पीछे आ रही होगी। सही कहा बड़े भैया, अब मोस्ट वांटेड लिस्ट में हम ही लोग होंगे। अरे एक बहुत बुरी खबर है रे, तेरे बड़े भाई घोस्ट क्रिमिनल को पुलिस वालों ने एनकाउंटर कर दिया रे।